सरला को शुरू से ही बिरयानी खाना बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन सरला को बिरयानी बनाना नहीं आता था, इसलिए वो अपने आस पड़ोस के लोगों से ही बिरयानी मांगा करती। ऐसे ही एक दिन सरला अपनी पड़ोसन भावना के घर जाती है। भावना, क्या बात है, आजकल तो तू बिरयानी बनाती ही नहीं, पहले तो तू हर संडे को बिरयानी बनाया करती थी और खिलाया भी करती थी, लेकिन अब तो तू ना बिरयानी बनाती है और ना ही खिलाती है। अब बिरयानी बनाने का टाइम ही कहाँ मिलता है, घर का इतना काम रहता है, और अब तो जब से दादी बनी हूँ तब से और काम बढ़ गया है, इसीलिए जो बन पाता है वही बना देती हूँ। किसी दिन बिरयानी भी बना दिया कर, तुझे तो पता ही है ना कि मुझे बिरयानी कितनी ज्यादा पसंद है। मैं सोच ही रही थी कि तू अब बिरयानी खिलाएगी अब खिलाएगी, लेकिन तूने तो मुझे बिरयानी के लिए तरसा ही दिया। ऐसे थोड़ी करते हैं भावना, कभी कभी अपने पड़ोसी के बारे में भी सोचना चाहिए। इतना ही है तो किसी दिन तू ही बिरयानी बना के खिला दे, मैं तो कामों में लगी रहती हूँ, लेकिन तू तो फ्री ही रहती है, ना बहू है ना पोता है जो तुझे काम हो। मुझे अगर बिरयानी बनाने आती ना तो मैं तुझे रोज खिलाती और खुद भी रोज खाती, लेकिन परेशानी तो यही है ना कि मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती है, अब करूँ तो क्या करूँ मैं। आती नहीं है और ना ही कभी सीखना चाह रही है, अरे इतनी उम्र हो गई है, अब तो कुछ बनाना सीख जा, अच्छा रहेगा, हर दूसरे से बनवाने आ जाती है। अब तू भी ऐसे बोलेगी, ऐसी बात नहीं है कि मैं बना नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ अब कुछ दिनों में तो मेरी बहू आ ही जाएगी, तो बहू के हाथों की बिरयानी का इंतजार है। अच्छा, मतलब तूने अपने बेटे के लिए कोई लड़की देखी है? मैं देख तो लूँ, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे साफ बोल रखा है कि वो शादी तो अपनी मर्जी से ही करेगा, और जब जवान बेटे ये कहे तो समझ ही जाओ कि उसने कोई लड़की तो देखी होगी। हाँ, ये बात तो पते की है, खैर अच्छा ही है उसने कोई लड़की देख ली हो, क्योंकि फिर तो तेरी भी परेशानी कम हो गई ना, अब तू इस उम्र में कहाँ जाती लड़की ढूंढने। मैं तो खुश थी कि मैं अपनी पसंद की बहू लाऊंगी जो मुझे हर रोज अलग अलग तरह की बिरयानी बनाकर खिलाए, लेकिन मेरे बेटे ने तो मेरा ये सपना ही तोड़ दिया। चल अब तू इतनी भी निराश मत हो, मैं इस संडे तेरे लिए जरूर बिरयानी लाऊंगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अब तो तू खुश है। बस मैं यही सुनने तो आई थी, तो हर संडे को मुझे बिरयानी बना कर दिया कर, फिर मैं भी खुश और तू भी खुश, मुझे भी ऐसे ही रोज रोज तुझे बिना बात के टोकना अच्छा थोड़ी लगता है। चल चल अब मक्खन मत लगा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू कितने पानी में है, बिरयानी तुझे बहुत ज्यादा ही पसंद है, इसीलिए तू मुझसे मिलने आती है, वरना तो तू मेरी शक्ल भी भूल जाए। सरला अपने बेटे की शादी करना चाहती थी, लेकिन सरला का बेटा भी शादी करने से बार बार मना कर रहा था। एक दिन जब सरला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तब वो अपने बेटे दीपक को ऑफिस से दिन में ही घर आने को कहती है। दीपक भी पैर पटकते हुए अपने घर आता है। क्या हुआ माँ, कौन सा पहाड़ टूट गया जो आप मुझ पे यूं चिल्ला रही हो? अरे ऐसे क्यों बात कर रही हो आप मुझसे? अरे आपको मैंने कितनी बार कहा है, जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप तो ऑफिस के बीच में सारा काम छोड़कर घर बुला लेती हो, अरे ये तो गलत बात है ना माँ? हमेशा जवान बच्चों को उनके माँ बाप ही गलत लगते हैं, कभी उन्हें ये नहीं लगता कि वो भी गलत हो सकते हैं। तेरी भी यही सोच है, मुझे तो लगा तू अपनी माँ का दुख समझेगा, लेकिन तू भी। माँ आप इतनी उदास क्यों हो रही हो, मैं आपको सुना नहीं रहा, मैं तो बस आपसे बात कर रहा हूँ, आपने अचानक से मुझे ऑफिस से घर बुला लिया, ये तो गलत है ना माँ? हाँ वो गलत है, लेकिन ये भी तो गलत है, यहाँ बूढ़ी माँ घर पर अकेले रहकर घर का सारा काम करती है, मैं तुझे कब से बोल रही हूँ
शादी कर ले शादी कर ले, लेकिन तुझे कभी मेरी बात सुनाई ही नहीं देती। अरे अगर तूने कोई लड़की नहीं देखी तो मुझे बोल देना, तेरी माँ हूँ, लड़कियों की लाइन लगा दूंगी तेरे आगे। माँ मैं आपको कितनी बार समझाऊं कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, फिर आप मेरी बात क्यों नहीं मानती हो, क्यों जबरदस्ती करती हो मेरे साथ? जब मुझे लगेगा कि मुझे शादी करनी चाहिए तो मैं आपको बोल दूंगा। देख आज तो बात साफ होकर ही रहेगी, तूने कोई लड़की देख रखी है तो मुझे बता दे, और अगर नहीं देख रखी है तो भी बता दे, मैं तेरे लिए कोई लड़की देख लूंगी। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो समझ लेना तेरी माँ नहीं रहेगी। माँ आप ये कैसी बात कर रही हो? मैं सच बोल रही हूँ, तू सीधी तरह से मेरी बात मान ले। अच्छा बाबा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक लड़की देखी है और मैं उसे प्यार भी करता हूँ, लेकिन वो लड़की हमारे शहर में नहीं गोवा में रहती है, और एक हफ्ते बाद मेरा गोवा में ट्रांसफर हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, तूने गोवा की लड़की देख रखी है और अब तक छुपा रखा है, तुझे तो पता है ना मैं खुले विचार वाली हूँ। माँ वो बात नहीं है, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि आपको ऐसी बहू नहीं चाहिए होगी ना, आपको तो चाहिए होगी ऐसी बहू जो घर का काम करे आपकी मदद करे, लेकिन क्रिस्टी ऐसी नहीं है, वो गोवा में ना एक बहुत बढ़िया सा बड़ा सा होटल चलाती है। वो सब बातें छोड़ दे और चल गोवा, मैं भी तो देखो कि आखिर तेरी पसंद है कैसी, फिर ही कोई बात होगी आगे। अपनी माँ की बात सुनकर दीपक एक हफ्ते बाद अपनी माँ को लेकर गोवा चला जाता है और वो दोनों क्रिस्टी के घर ही रुकते हैं। सरला को क्रिस्टी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। मेरी होने वाली बहू तो बड़ी प्यारी है, मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे की पसंद इतनी अच्छी भी हो सकती है। बेटा अब मुझे कुछ नहीं सुनना, अब मैं यही गोवा में तुम दोनों की शादी भी करवाने वाली हूँ। सरला बिना किसी सवाल जवाब के वहीं गोवा में क्रिस्टी और दीपक की शादी भी करवा देती है। शादी के दो दिन बाद जब क्रिस्टी अपने होटल के लिए निकलती है तो दीपक भी उसके साथ निकलता है। ये देख सरला उनके पास जाती है। तुम दोनों एक साथ कहाँ जा रहे हो? माँ जी दीपक अपनी जॉब पर जा रहे हैं और मैं अपने होटल जा रही हूँ। वैसे बहू तूने बताया नहीं कि तेरे होटल में खाने का क्या क्या मिलता है, मेरा मतलब है तेरे होटल में जो भी बनता है वो क्या तू ही बनाती है? हाँ माँ आपको पता है क्रिस्टी बिरयानी बहुत ही अमेजिंग बनाती है, यहाँ की फेमस है क्रिस्टी की बिरयानी, और आपको भी तो बिरयानी कितनी पसंद है। मतलब मेरी सास को बिरयानी पसंद है? बहू मैं तो बिरयानी की फैन हूँ, मुझे नहीं पता था कि तू इतना अच्छा बिरयानी बनाना जानती है, वरना दीपक तो क्या मैं ही खुद तुझसे शादी कर लेती। माँ जी एक काम करो, आज आप मेरे साथ मेरे होटल चलो, इसी बहाने आप मेरा होटल भी देख लोगी और मैं आपको अपने हाथ की स्पेशल बिरयानी भी खिला दूंगी। हाँ ये सही रहेगा, तुम दोनों चले जाओ मैं ऑफिस जा रहा हूँ अपने, इसी बहाने अब थोड़ी बहुत सास बहू की बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाएगी। सरला और क्रिस्टी दोनों क्रिस्टी के होटल में चले जाते हैं। क्रिस्टी का इतना बड़ा होटल देखकर सरला की आंखें तो बाहर ही आ जाती हैं। बहू ये इतना बड़ा होटल तेरा है, तू इसे अकेले चलाती है? जी माँ जी ये मेरा होटल ही है और इसे मैं ही चलाती हूँ। क्रिस्टी सरला को रसोई में लेकर जाती है जहाँ काफी सारे क्रैब रखे थे। सरला को उल्टी होने लगती है। बहू ये क्या है, तेरे रसोई घर इतना ज्यादा गंदा क्यों है, कीड़े मकोड़े यहाँ तो इतने सारे हैं। माँ जी क्रैब की बिरयानी तो यहाँ सबसे ज्यादा फेमस है, आप बाहर जाकर बैठो मैं आपके लिए क्रैब बिरयानी लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद क्रिस्टी सरला के लिए क्रैब बिरयानी लाती है, जिसे देखकर सरला का खाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ सरला बिरयानी देखकर पिघल ही जाती है और खाने लगती है। क्रैब बिरयानी सरला को बहुत ज्यादा पसंद आती है। बहू ये क्रैब बिरयानी तो आम बिरयानी से भी ज्यादा अच्छी है। मुझे पता था कि आपको क्रैब बिरयानी बहुत पसंद आएगी। बहू लेकिन ये चांदी के बर्तन में दिया कर मुझे, वो भी रोज, क्योंकि मैं बिरयानी केवल चांदी के बर्तन में खाती हूँ। माँ जी मुझे पता है चांदी के बर्तन में खाने से सेहत अच्छी होती है, इसीलिए मैं कुछ खास लोगों को चांदी के बर्तन में ही देती हूँ। सरला अपनी बहू की क्रैब बिरयानी खा के अपनी बहू की फैन बन जाती है